हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, रिसेंटली रियलमी XT के लिए 6.06 जुलाई सिक्योरिटी पैच का न्यू अपडेट इंडिया में रोल आउट किया गया था। एंड आज हम इस अपडेट के बाद डिवाइस का फुल 100 से 0% तक पबजी प्ले करते हुए बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस में पूरी 100% बैटरी बची है। एंड फिलहाल के लिए जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो है 32.5 डिग्री के अप्रोक्स। तो यहाँ पर हम पबजी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैटरी ड्रेन टेस्ट के बाद चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स देख सकते हैं। स्मूथ के अंदर आप अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 40 FPS तक की गेमिंग आप कर सकते हैं रियलमी XT में। बैलेंस्ड में भी अल्ट्रा का ऑप्शन है, HD में हाई सेटिंग्स का ऑप्शन है, जबकि HDR का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 2 घंटे स्मूथ एंड अल्ट्रा में प्ले करने वाले हैं एंड चेक करेंगे कि कितनी डिवाइस में बैटरी ड्रेन होती है। तो यहाँ पर हम पबजी को स्टार्ट कर देते हैं और डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 34 डिग्री आपको मिलता है, जबकि टेबल का टेम्परेचर आपको 29 डिग्री के अप्रोक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर हम पबजी को कंटिन्यू रखते हैं एंड चेक करेंगे 30 मिनट्स के बाद। और यहाँ पर आप FPS भी देख सकते हैं, 40 FPS के अराउंड गेमिंग आपको मिलती है स्मूथ एंड अल्ट्रा के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मिनट्स का गेम प्ले कम्प्लीट हो चुका है। डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 92%। तो काफ़ी बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस अभी के लिए आपको मिल जाती है। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 डिग्री के ऊपर आपको मिल जाता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 डिग्री के ऊपर आपको मिल जाता है। तो अभी हम पबजी को कंटिन्यू रखते हैं, चेक करेंगे 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे की गेमिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 87%। तो 1 घंटे के अंदर 13% तक बैटरी ड्रेन हो चुकी है। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है रियलमी XT के अंदर इस अपडेट के बाद। एंड डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 35 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर भी आपको 35 डिग्री के अप्रोक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस अभी के लिए काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है रियलमी XT डिवाइस में। तो यहाँ पर हम पबजी को कंटिन्यू रखते हैं, चेक करेंगे अगले 1 घंटे के बाद। एंड FPS मीटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा की गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 71%। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद जो डिवाइस की बैटरी ड्रेन हुई है वो है 29%। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 38 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर आपको 38 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद रियलमी XT की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया देखने को आपको मिलती है। एंड यहाँ पर FPS मीटर भी देख सकते हैं, 40 FPS की गेमिंग आपको मिलती है एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है पबजी के अंदर वो भी आपको बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पर अभी हम पबजी को कंटिन्यू रखते हैं एंड चेक करेंगे अगले 1 घंटे के बाद। उससे पहले हम ग्राफिक्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम प्ले कर रहे थे स्मूथ एंड अल्ट्रा के अंदर, अभी हम प्ले करेंगे HD एंड हाई फ्रेम रेट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी जो FPS है हाई फ्रेम रेट में आपको 30 FPS के अराउंड गेमिंग मिलेगी, जबकि अल्ट्रा फ्रेम रेट में 40 FPS की गेमिंग आपको मिलती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो यहाँ पर दोस्तों 3 घंटे से ज़्यादा की गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस में जो बैटरी बची है 42% डिवाइस में बैटरी बची है, तो 58% तक बैटरी यहाँ पर ड्रेन हो चुकी है। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 डिग्री के ऊपर आपको मिल जाता है, एंड जो बैक साइड का टेम्परेचर है वो भी आपको 39 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम पबजी को कंटिन्यू रखते हैं एंड चेक करेंगे अगले 1 घंटे के बाद। फिलहाल के लिए जो बैटरी परफॉर्मेंस है एंड जो डिवाइस की ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल रही है। एंड यहाँ पर FPS मीटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हाई सेटिंग्स में 30 FPS की गेमिंग मिलती है, जबकि अल्ट्रा फ्रेम रेट पे आपको 40 FPS की गेमिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4 घंटे से ज़्यादा की गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 24%, तो 76% बैटरी ड्रेन हो चुकी है 4 घंटे की गेमिंग के बाद। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर 36 डिग्री के ऊपर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली मुझे डिवाइस में हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 29 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितने टेम्परेचर पर गेम को प्ले कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डिवाइस हीट होगा। यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी हम ग्राफिक सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्ले करेंगे बैलेंस्ड एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ, तो इसको हम सेट कर लेते हैं एंड गेम को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अभी आप FPS देख सकते हैं, 40 FPS के अराउंड आपको गेमिंग मिलेगी अल्ट्रा फ्रेम रेट पर, जबकि हाई फ्रेम रेट पर आपको 30 FPS के अराउंड गेमिंग मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 घंटे की गेमिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस में जो बैटरी बची है वो है 8%, तो 5 घंटे के बाद डिवाइस की 92% तक बैटरी ड्रेन हो चुकी है। एंड डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 40 डिग्री के ऊपर आपको मिल जाता है, जबकि बैक साइड का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है। तो यहाँ पर पबजी को हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि डिवाइस की बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली रियलमी XT की बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है 5 घंटे 25 मिनट के अंदर। तो लगभग 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। बैक साइड का टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिल जाता है, जबकि डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 39 डिग्री के ऊपर आपको मिलता है, जबकि रूम का टेम्परेचर है 32 डिग्री के अप्रोक्स। तो यहाँ पर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, इसलिए डिवाइस का टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड आपको मिला है। लेकिन यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। अगर आप आउटडोर में भी प्ले करेंगे तो 44 डिग्री के अप्रोक्सी रियलमी XT का टेम्परेचर जाता है, जबकि रियलमी 6 का 52 डिग्री 51 डिग्री वहाँ तक चला जाता है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 घंटे 25 मिनट की अप्रोक्स इसकी बैटरी ने परफॉर्म किया है, जबकि जुलाई अपडेट के बाद रियलमी 6 ने 4 घंटे 40 मिनट की अप्रोक्स यहाँ पर उसकी बैटरी ने बैकअप दिया था, जबकि वहाँ पर 4300 mAh की बैटरी है एंड यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है। एंड रियलमी 3 प्रो ने 5 घंटे 10 मिनट की अप्रोक्स बैटरी बैकअप दिया था, जबकि दोस्तों दोनों ही डिवाइसेज में सेम 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिलता है। तो यहाँ पर यह भी रीज़न हो सकता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है। अगर आपके डिवाइस में अभी भी बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार अपने डिवाइस को आप रीसेट कर लीजिए सेटिंग्स में जाकर। तो नेक्स्ट अभी हम डिवाइस का चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये इस फोन का 20 वोल्ट का ओरिजिनल वूक चार्जर आपको मिलता है। ये इसकी USB टाइप सी केबल है जो कि बॉक्स के अंदर आपको मिलती है। तो जल्दी से डिवाइस को चार्जर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप वॉच को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। डिस्प्ले का टेम्परेचर आपको 27 डिग्री के अप्रोक्स मिलता है, जबकि टेबल का टेम्परेचर 26 डिग्री के अप्रोक्स है। एंड चार्जर का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 25 डिग्री आपको मिल जाता है।
तो यहाँ पर हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि डिवाइस कितना चार्ज हुआ है, तो भी हम चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट की चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड डिवाइस चार्ज हुआ है 9%। तो भी हम चेक करेंगे 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, डिवाइस चार्ज हुआ है वो है 24%। एंड यहाँ पर डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34 डिग्री आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर भी आपको 34 डिग्री के अप्रोक्स मिलता है। तो भी हम चेक करेंगे 30 मिनट्स के बाद की डिवाइस कितना टोटल चार्ज हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है, डिवाइस चार्ज हुआ है 52%। एंड डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34 डिग्री आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 43 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है। तो अभी हम चेक करेंगे 45 मिनट्स के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, डिवाइस चार्ज हुआ है 73%। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर 37 डिग्री आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 49 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्मार्टफोन का टेम्परेचर है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो भी हम चेक करेंगे 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर की चार्जिंग के बाद डिवाइस चार्ज हुआ है 90%। डिस्प्ले का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 35 डिग्री आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर 44.5 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है। तो अभी हम वेट करते हैं कि कब तक ये 10% बची हुई बैटरी पूरी चार्ज होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 घंटे 22 मिनट के अप्रोक्स डिवाइस चार्ज हो चुका है 99%। तो अभी वेट करते हैं कि लास्ट का 1% कितने टाइम में चार्ज होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली रियलमी XT पूरा 100% चार्ज हो चुका है 1 घंटे 34 मिनट के अंदर, जबकि 99% तक चार्ज हो गया था 1 घंटे 22 मिनट में, और 98% चार्ज हुआ था 1 घंटे 17 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर 12 मिनट इसको लगी 99 से 100% तक चार्ज होने में, तो लास्ट का 1% चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो इसको यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों 98% तक 77 मिनट्स में डिवाइस चार्ज हो गया था। यहाँ पर आप डिस्प्ले का टेम्परेचर देख सकते हैं 31 डिग्री के अप्रोक्स आपको मिलता है, जबकि चार्जर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं फुल चार्ज के बाद काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है, और जब डिवाइस 90% था तो वहीं से जो चार्जर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, वरना उससे पहले चार्जर का टेम्परेचर आपको 46 से 48 डिग्री तक मिल रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि चार्जिंग के टाइम डिवाइस का टेम्परेचर काफ़ी अंडर कंट्रोल था, 35 डिग्री के अप्रोक्स था डिवाइस का टेम्परेचर चार्जिंग के टाइम। तो दोस्तों अगर आप 98% तक डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो 77 to 78 मिनट्स के अंदर आपका डिवाइस पूरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन लास्ट के जो 2% है उसको चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके डिवाइस में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये था रियलमी XT का इस अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड चार्जिंग टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।